सागर के बरोदिया नौनागीर गांव में 24 अगस्त को 18 साल के नितिन अहिरवार को गांव के गुंडों ने पीट पीट कर मार डाला। माँ बचाने आई तो उनकी भी पिटाई की, कथित तौर पर कपड़े उतार दिए। 2019 में आरोपियों ने पीड़ित की बहन के साथ छेड़छाड़ की थी, FIR हुई, वो जेल गए। बाहर निकले तो मामला वापस लेने का कथित तौर पर दबाव बना रहे थे। पीट के हमारे कपड़ा उतार दिए सब, फिर पुलिस वाले आ गए तो उनकी नजर पड़ी तो फिर वे टावर ले आए। परसों के दिन 2 बजे रात पुलिस आई तो गेट खोले, गेट के बाहर ही खड़े थे 2 पुलिस वाले। हमने 3 बात पूछ पाई कि सर कौन सी बात हो गई, कौन सी ना वो मैं ले जा रहा है, तो कहने लगे कुछ नहीं, कई जानकारी लेने। फिर दूसरे दिन को शाम को ही हम लाडू सब्जी ले आएगा, सब्जी ले आएगा तो हमने पीछे से गए तो ये सब मार रहे थे। इस फिर हमने खूब बचाव नहीं बच पाए, हमें मार बहुत, हमें बेपर्दा कर दो। तो आरोपियों ने मारपीट के बाद पीड़ितों के घर में जमकर तोड़फोड़ भी की। घटना के बाद से गांव में भारी पुलिस बल तैनात रहा। काफी समझाने के बाद पीड़ित के परिजनों ने अंतिम संस्कार किया, लेकिन सरकार का कहना है ये जाति का नहीं परिवार में रंजिश का मामला है। ये घटना 2 पक्षों के विवाद की घटना है, घटना दुखद है, पर इसको राजनीतिक रंग देना ये ठीक नहीं है। कांग्रेस घटना को राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रही है, कांग्रेस समाजों को बांटने की कोशिश करती है, क्योंकि कांग्रेस के पास चुनाव में कोई मुद्दे नहीं है। मैं वहां से भागी तो मेरे पीछे कम से कम 10 लोग भागे। उधर कांग्रेस की एक टीम ने गांव में पीड़ित परिवार से मुलाकात की, पार्टी के आला नेताओं ने सरकार को घेरा। भारतीय जनता पार्टी के पाप का घड़ा भर चुका है, उनको गरीब अनुसूचित जात की महिलाओं पर बहनों पर अत्याचार होता है तो उनको राजनीति दिखती है, कार्रवाई न करके इससे सिद्ध होता है कि उनका संरक्षण में भाजपा के संरक्षण में ये घटनाएं घट रही हैं। सीधी पेशाब कांड हो या सागर की घटना, मध्य प्रदेश में दलित आदिवासियों और महिलाओं पर अत्याचार को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। इससे पहले इसी साल 30 जून को शिवपुरी के नरवर में 2 दलित युवकों का मुंह काला किया गया, जूते चप्पलों की माला पहनाई गई, आरोप लगा कि उनके मुंह में मल भी भरा गया। जुलाई में ही साल भर पहले सागर में एक दलित युवक के कपड़े उतारकर उसकी बेरहमी से पिटाई का वीडियो वायरल हुआ था। 24 जुलाई को देवास में आदिम जाति कल्याण विभाग के दफ्तर में घुसकर उप सरपंच ने एक दलित कर्मचारी के साथ मारपीट की थी, जाति सूचक गालियां दी, ऐसे आरोप लगे। साल दर साल NCERB के आंकड़े भी बताते हैं कि कैसे मध्य प्रदेश दलित आदिवासियों और महिलाओं के लिए असुरक्षित बनता जा रहा है। 2018 से 2022 तक दलितों के खिलाफ अत्याचार के देश भर में 189,945 मामले दर्ज हुए। अकेले 2021 में देश में अनुसूचित जाति के खिलाफ अपराध के 50,900 मामले आए, मध्य प्रदेश में यह आंकड़ा 7,214 था। 2021 में देश में दलितों के प्रति अपराध के मामलों का औसत 25.9% था, लेकिन मध्य प्रदेश में 63.6%। इन 4 सालों में राज्य में दलितों पर हुए अपराधों के दर्ज मामले में 51.7% की बढ़ोतरी हुई। हालांकि ये भी तथ्य है कि ऐसे मामलों में चार्जशीट दाखिल करने में भी सिक्किम के बाद सबसे बेहतर रिकॉर्ड मध्य प्रदेश का ही है। आंकड़े और घटनाएं शासन प्रशासन पर सवाल उठाती हैं, लेकिन सत्ता और विपक्ष दोनों जानते हैं कि सवाल उठाने और जवाब देने के सियासी मायने क्या हैं। सागर की घटना पर फिर सवाल है, जहां कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संत रविदास के 100 करोड़ के मंदिर का शिलान्यास किया था, वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सागर में ही सभा की थी। क्योंकि मध्य प्रदेश में लगभग 16% दलित वोटर हैं और इन्हें गेम चेंजर माना जाता है। बुंदेलखंड में तो दलित आबादी लगभग 20-25% है। राज्य में 35 सीटें SC वर्ग के लिए आरक्षित है। 2013 के चुनाव में जब BJP ने 230 में से 165 सीटें जीती थी तो उसे 35 सीटों में से 28 सीटें मिली थी, यानी कुल 80%, जबकि कांग्रेस सिर्फ 4 सीटें जीत सकी थी। उसके बाद बसपा 3 सीटों के साथ थी, लेकिन 5 साल बाद 2018 के चुनाव में 35 SC आरक्षित सीटों पर BJP की संख्या घटकर सिर्फ 18 रह गई, जबकि कांग्रेस की गिनती 4 गुना से बढ़कर 17 सीटों पर पहुंच गई थी। ये आंकड़े समझाने का मकसद ये बताना था कि कैसे नेता दलितों और पिछड़ों के नाम पर चुनावी परिक्रमा करते हैं और फिर चुनाव के बाद बढ़ते हैं तो सिर्फ दलित उत्पीड़न के मामले और वायदों की फेहरिस्त। सागर से अपने सहयोगी रचित और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान, अमृतांशी के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया।